जरा आगे आइए, मेरे कान बड़े रूठ गए हैं। आज के दिन जो इतनी जगमग है, इतनी लहर है, इतनी खुशियां हैं, तो वो भगवान आपकी ज्योति के साथ ही है ना सब। वैसे बोलिए, खुशियां हैं, खुशियां हैं, ज्योति है, जगमग है, वो वैसे भी रौनक है, तो आपके साथ ही है, ज्योति के साथ ही है, आप वो तो सब कुछ है। बातचीत होती है, ये जो हमें दिखता है क्या वो सत्य दिख रहा है? क्या हम भी उसके साथ एक हैं? क्या हमारे अंतर में ज्योति है? बाहर की खुशियों में खुश हो जाना वो फर्क बात है, लेकिन हमें इस समय अपने अंतर की बात देखनी है। हमारे अंतर में अंधेरा है, लोग के प्रति क्या क्या भाव रखे हुए हैं, या शास्त्र के भाव जगमगा रहे हैं, करुणा, दया, अद्वेष्टा, समत्व भाव, अमानित्वम, अदम्बित्वम वगैरह, ये जितने दैवी गुण उन्होंने कहे हैं, क्या उनकी ज्योति हमारे अंतर में जल रही है? नहीं तो ये सब खुशियाँ जो आज दिख रही हैं, कल तो बत्तियाँ बंद कर देंगे। आज जो बाजार सजाए हुए हैं, कल तो वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना? ये क्यों ना हम पूछें भगवान जी से, भगवान जी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि हमें हर पल ही यही चीज़ें दिखें? जब दुख की लड़ियाँ हों तो दुख की लड़ियाँ दिखें पर सुंदर लगे, क्योंकि आपने लगाई हैं, आपके कर कमलों से वो लगाई गई हैं, रेखा में जो मिला वो आपने दिया है, इसलिए हमारे मन में कभी खोट ना उठे, वही चीज़ें जगमगाएं जो आपको पसंद है। तब तो दिवाली माने, वो ऋतु क्या हुई जो आई और चले गई, वो खुशी क्या हुई जो आई और चले गई, वो प्रेम क्या हुआ जो आया और चला गया, है ना? हे भगवान, आप कुछ ऐसा कर दो कि हमें समत्व में रहना आ जाए, ये जान के कि दुनिया आपकी है। ठीक, आपने इस दुनिया का हमारे लिए एक ही पर्पस है कि हर रूप आपका है ये जानते हुए, और आप ही इम्तिहान लेते हैं, है ना? शास्त्र आपका हमारे हाथ में है, जब इम्तिहान होते हैं बच्चों के, टेक्स्ट बुक्स तो उनके पास होती हैं, प्रैक्टिकल करने होते हैं, उसके मुताबिक उनको मार्क्स मिलते हैं, है ना? हमारे पास टेक्स्ट बुक आपकी कृपा से ये है, और आपने कहा कि प्रैक्टिकल सारी दुनिया बैठी है और वो सब पूर्ण मैं हूँ, इसलिए किसी को बुरा मत कहियो, वो जो कर रहा है मैं ही कर रहा हूँ। अब बताओ, क्या तुम वो रिएक्शन लाओगी और वो कर्म करोगी जो मैंने कहा है? किसका लिहाज करोगी और किसका नहीं करोगी? किसको बड़ा कहोगी और किसको छोटा कहोगी? क्या कैलकुलेशन करके बात करोगी कि बिना कैलकुलेशन के आंख बंद करके जो मैंने कहा है सो कर दोगी, चाहे मैं खड़ा हूँ सामने, मेरी पूर्णता जो तुझे दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुमने उस पूर्ण में समाना है, लेकिन वहाँ पर जाग के आ सकते हो, सोए हुए नहीं आ सकते। अगर आपको पूर्ण वो दिखे तो आप बाकी भी मान लोगे शास्त्र की बात, लेकिन अगर दिखे नहीं तो सोए सोए अंधे को क्या पता लगेगा, वो तो फेल हो जाएगा। इस दुनिया के इम्तिहान में पास होने के लिए
उन्होंने हमें ओम दिया कि पहला पाद इसका वैश्वनर है, वो सेवा पहले कर, है ना। उन्होंने सेवा करने को कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि बात अमीर आदमी करना या जिनसे डरते उनके लिए करना, वहाँ पर कुछ और दवाई देना और यहाँ पर कुछ और दवाई देना, ये नहीं कहा उन्होंने। समत्व में रहकर सेवा कर, है ना। बल्कि जो अपनी खुद कर सकते हैं उनसे कहो अपना कर लो, भाग जाओ। जो नहीं कर सकते, इसके लिए कई हर शास्त्र में और हर धर्म में उन्होंने इसको एक निश्चित बात कहा है, ये करना ही है, क्योंकि इससे हमारे मन में जो बड़े ऊंचे का भाव है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरे को हाथ लगाते, दूसरे को हृदय से लगाते, शर्म नहीं आएगी। अब सबको हृदय से लगाकर उनके लिए जो ठीक है वो करोगे, लेकिन जो खुद अहंकार रखते हैं कुछ नहीं करोगे उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर जाया करोगे। धन इसलिए नहीं मिला कि इन अमीरों पे गुआ दो, गलत लिहाज मत करना। अगर किया तो आप गलत हैं, ये हमारा इम्तिहान है और भगवान सामने खड़े हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जिसके लिए करोगे वही कल बातें बनाएगा, सबसे ज़्यादा आपके बखिलाफ़ होगा। ये तो नियम है, ठीक। और इम्तिहान भगवान ले रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं इस समय जो रूप धर के आया हूँ वह मैं ये डिजर्व नहीं करता, इसने किसी का हिस्सा मुझे दे दिया है, फिर क्या होगा। इसलिए हमें तो इम्तिहान देना है, हमें तो शास्त्र के साथ साथ चलना है। अगर आप कहते हो ये दिवाली की बड़ी रौनक है बाहर, हम कहेंगे हाँ भगवान ऐसा करे कि ये रौनक हर पल बनी रहे, उसके लिए शास्त्र की जरूरत है। आप ये कहिए कि मैं बाजार से तो गुजरी थी, बड़ी रौनक थी, पर खरीददार नहीं हूं। बाजार से गुजरा, मैं अपनी बात नहीं कह रही, बाजार से गुजरा हूं, खरीददार नहीं हूं। एक साइकिल की गजल है, बहुत अच्छी है, हमें बहुत पसंद थी। साइकिल होते थे बहुत, ही वॉज ए वंडरफुल सिंगर, बहुत अच्छा गाते थे। तो वो कहते हैं दुनिया के बाजार से हम गुजरे ज़रूर हैं पर खरीदार नहीं है, ये मेरा बन जाए नहीं, हम इसके हो जाएं नहीं, ये बड़ा सबसे ऊपर है नहीं, ये सबसे छोटा है नहीं, सब भगवान के बंदे। ये सोचिए और ये सोचेंगे तो नित्य आनंद में रहें और हर पल बाहर ही होगी, सोचने की बात है। फिर दूसरे के में बाहर लाने की कोशिश करोगे तो उसके नहीं जाओगे जहाँ सलाम करके जाना पड़ता है, उसके जाओगे जहाँ आप सलाम करोगे, आप हमसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जिसको अपनी इज्जत है, जो मुफ्त नहीं लेना चाहते, अमीर तो मुफ्त खोरे होते हैं, अपना जान नाम बने वहाँ देते, गरीब उनकी लाज होती है। हमने कभी नहीं देखा कोई गरीब अपना हाथ रोक लेता है, जो दे सकते हैं वो हाथ रोकते हैं और जितना ज़्यादा दे सकते हैं उतना हाथ रोकते हैं, बड़े कम लोग होते हैं जो देते हैं। पर कई लोग दुनिया में बड़े अमीर हैं, अगर हम लोग यहाँ जीते हैं या ये हॉस्पिटल चलते हैं या कुछ और सर्विसेज कर सकते हैं, उसमें मेहर बड़े बड़े अमीरों की है, बहुत बहुत अमीरों की है।
वो जितना भेजते हैं उतना ही हम काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो किसी और के लिए भेजते हैं, हमारे लिए नहीं भेजते। इसलिए वो अभी हमारा इम्तिहान लेते हैं, भगवान ने भेजा और भगवान ने इम्तिहान लिया, हमने क्या किया है। कई बेईमानों ने अपनी कोई मक्कू साधने के लिए बहुत कुछ झूठ मूठ भी कर ले लिया, कईयों ने चोरी कर ली, कईयों ने दिया, दो हाथ से लेकर बहुत हाथों से दिया। भगवान देखते हैं, वो कहते हैं ना, फल भगवान देते हैं, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर इम्तिहान के जो पेपर सेट हुआ हुआ है वो ये है, ये उन्होंने पहले ही दे दिया कि अगर ये ना आंसर आए आपके, इसके साथ बाहर का टैली करना चाहिए। हृदय आपका है, आपके हृदय में ये होना चाहिए, उस हृदय से कर्म करो और उन्हीं के साथ मार्क्स आने हैं। जिसके यहाँ नहीं तुलते उनको जीरो भी मिल सकता है, और उसके लिए कई धर्मों में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं, डैमनेशन एंड व्हाट, क्या दूसरे शब्द, वो क्या शब्द बोलते हैं, हेल एंड डैमनेशन, वो सीधी बातें कर रहे हैं, ये मिलना है आपको, नरकों में जाएंगे, ये वहाँ पर शास्त्रों में लिखा होता है, यहाँ पर ये नहीं कहते। या तो वो कहते हैं तुम असुर राक्षस बन जाते हो, असुर आसुरी वृत्तियाँ कहते हैं, इसको हमारी आज की भाषा में बोलो, आसुरी वृत्ति वाले राक्षस होते हैं, क्योंकि वो लोगों का खाते हैं, लोगों को खाते हैं, उनकी आसुरी वृत्ति है, साधु वृत्ति भी है, राजसिक वृत्ति भी है, हर किस्म की वृत्तियाँ हैं। देखना तो यह है कि हमें कैसे, हमने क्या सीखा, हमें भी इसे सोचना है। फिर वो कहते हैं गुणातीत भव। अब गुणातीत के लाखों अर्थ हो सकते हैं, लाइसेंस भी हो सकता है, पर इससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव, हमें रोकने वाला और कोई गुण नहीं है जो गुणातीत है। पर जहाँ पर जैसी जरूरत होगी वो कर देंगे, उनके पास संग नहीं है, मोह नहीं है, चाहनाएँ नहीं है, दूसरे को गिराने की बात नहीं है, अहंकार नहीं है, दम्भी नहीं है, क्रोधी नहीं है, लोभी नहीं है, तो उनके पास गुणातीतता होगी। इसलिए इसको देख के बात करिए। मान लीजिए जिसका बड़ा जाति है ना, तो जब मैं व्यायाम देखती हूँ ना, उसमें जो अर्पण होता है ना, ऐसे लगता है जैसे तीसरा देवतर खुला, तीसरा देवतर है। वो क्या होता है, जैसे अपना अनुभव बताइए, वो क्या होता है? वो ऐसे लगता है जैसे वो देख रहे हैं, हर कर्म मेरा देख रहे हैं, हर हरकत मेरी देख रहे हैं। जो लगता है वो ठीक लगता है, ऐसे दिखता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, और बताइए। और बस जो आप जोती हैं वो हमें बस प्रदान करो। राम राम।